की ब्लॉक की शुरुआत अपने घर के काम से स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आज इन्होंने बीम डाले थे जो ऊपर वाले फ्लोर में, और बारिश देखिए कंटिन्यू आ रही। हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं राजन रावत फ्रॉम पौड़ी, और स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर के काम से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने मार्च के लास्ट के महीने में काम घर का स्टार्ट किया था, और आज जो है कि तकरीबन आज जुलाई का महीना भी ख़त्म होने वाला है और अगस्त का लगने वाला है। तो अभी तक काम में काफ़ी रुकावट है क्योंकि बारिश लगातार कंटिन्यू आ रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना काम हुआ और कितना पेंडिंग है, और बारिश भी यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आज इन्होंने बीम डाले थे जो ऊपर वाले फ्लोर में, और बारिश देखिए कंटिन्यू आ रही है। देखो इन्होंने अभी शुरू शुरू में काम किया था, ये देखो यहाँ मसाला बनाया था, तो यहाँ पर देखिए ये कट्टों से इस मसाले को ढक रहे हैं, क्योंकि बारिश आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पर बारिश आ रही है। और काम देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर ये इन्होंने जो पिलर्स या RCC के जो पिलर दे रखे इन्होंने, ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे का काम कितना हुआ। ये ऊपर का काम अलग है जिसको अभी इन्होंने स्टार्ट किया था इसी महीने से, तो बारिश अभी कंटिन्यू आ रही है। तो मार्च के जो लास्ट का महीना था दोस्तों, उससे बारिश से आ ही रही है और काम में काफ़ी रुकावट आ रही है। तो अभी दोस्तों आपने बारिश को देख लिया, और कि बारिश किस तरह यहाँ पर जोरों शोर पर लगी हुई है, काम पर काफ़ी रुकावट आ गई है, क्योंकि काम को लगे हुए 3-4 महीने होने वाले हैं, काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी दिखाता हूँ आपको काम कितना हुआ यहाँ पर। तो बारिश की वजह से काम पे काफ़ी रुकावट है, जो काम नहीं हो पा रहा है। तो शायद अगले महीने अगस्त तक भी बारिश ही ऐसी रहेगी, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप काम कराते हो, खासकर पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने मौसम को देखते हुए और यहाँ पर जो गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में ये काम ज़रूर कराएं, क्योंकि बरसात के आने से पहले काम अगर कराओगे तो फिर आपको इसी तरह आपको रुकावटें ही पैदा होगी। तो दिखाता हूँ मैं कितना काम इन लोगों ने अभी किया है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने टायर लगा रखे हैं, अभी ये पूरी टायर देखिए यहाँ पर, अभी इन्होंने पूरी तरफ ये टायर लगा दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लास्टर कर रखा है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये प्लास्टर लगा रखा है, तो बरसात की वजह से यहाँ पर कितनी नमी आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा अभी बिल्कुल गीला जैसा हो रहा है, जैसे तराई की होगी। तो गर्मियों के टाइम पे काफ़ी मुझे तराई करनी पड़ी, आप देख सकते हैं। और अभी जो है कि बरसात की वजह से, खासकर पहाड़ों में बरसात की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और ये देख सकते हैं अभी बरसात की वजह से यहाँ पर देखो काई भी जमने लग गई यहाँ पर, ये देख सकते हैं। मैं आपको काई दिखाता हूँ, ये देखिए ये काई अभी ऊपर भी दिखाऊँगा कि बरसात क्या है, बरसात से काफ़ी काई जम जाती है। ये था बाहर का, जहाँ पर मेरे दीवार के मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि बारिश की वजह से यहाँ पर दीवारों में भी कितनी नमी आ रही है, जो यहाँ पर पहले हम तराई करते थे, तो अभी तराई का कोई यहाँ पर रोल नहीं है क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है। तो इसी से देखो नमी आ सकते हैं दीवार के पीछे कितनी नमी आ रखी है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर की तरफ कि टाइलिंग किस तरह लगाई है। लेकिन टाइलों में क्या है कि दोस्तों टाइल उन्होंने हमने व्हाइट कलर की इसे लगाई, क्योंकि ये कमरे थोड़े अंदर के हैं और इनकी हाइट छोटी है, और बीच में हमने जो दीवार रखी है, पार्टीशन किया है, तो उसकी वजह से कमरों में थोड़ा अंधेरापन आ रहा था, तो इसलिए हमने जो व्हाइट कलर के टाइल लगे जिससे कि थोड़ा रोशनी रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के टाइलें लगी हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइल ये है, व्हाइट कलर के टाइलें बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर, टाइलें भी अच्छी कलर की, क्योंकि ये टाइलें जो है दोस्तों ये कमरे में काफ़ी मतलब रोशनी देते हैं, इसलिए हमने व्हाइट कलर के टाइलें यहाँ पर चूज़ की हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने भी वही टाइल लगा रहे हैं हमने, और इधर भी ये
तो किचन में भी सेम टाइलें हैं दोस्तों, अभी काम फिनिश हुआ नहीं अभी इसमें। बाकी देखिए रेलिंग भी इन्होंने लगा दी है, रेलिंग में भी फिनिशिंग काम हुआ नहीं है, तो रेलिंग भी इन्होंने लगा दी है, देख सकते हैं ये रेलिंग अभी कंप्लीट लगी नहीं है रेलिंग भी, तो अभी काम धीरे धीरे चल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जोरों से बारिश आ रही है। देखिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ, अपने रेत को भी बिल्कुल प्लास्टिक के तिरपाल से ढका हुआ है और देखिए यहाँ पर पानी भी आया। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोर रूम था मेरा, इसमें भी अभी प्लास्टर तो पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं दीवारों में किस तरह यहाँ पर बरसात की वजह से नमी आ रही है। देखिए तो अभी जब धूप लगेगी दोस्तों तभी हम चूना इसमें पेंट कराएंगे। ये देखिए आप पूरी दीवारों में भी नमी आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बरसात में यहीं पर पहाड़ों में इसी तरह होता है। बाकी आप बारिश के देखिए मूसलाधार कितनी भयंकर बारिश लगी है, ये बारिश तो शायद मुझे रुकेगी नहीं आज। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो हमारा मकान है इसमें अभी तीसरी बार का काम हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर पहले माता लोगों ने यहाँ पर बनाया था तो उन्होंने 97 में बनाया था, उसके बाद हमने 2 कमरे 3 कमरे और बनाए थे, तो वो हमने 2011-10 में बनाए थे। तो वहाँ पर हमें उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि काम किस तरह होता है, क्योंकि घर में भी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह यहाँ पर काम किया, इतना गंदा काम किया कि मतलब उसको दोबारा री करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग अब यहाँ पर अवेलेबल है भी नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब कभी भी आप घर का काम कराते हो तो अच्छे से ठेकेदार से और जो लेबर्स होती है और उनको अच्छी तरह जहाँ पर मतलब काम सही नहीं करते आप उनको पक्का बताओ कि आप इस तरह काम करो। इससे पहले आपको काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और जो जानकारी होनी चाहिए कि टाइल, सबसे पहले मैं टाइल्स की आपको कंप्लेंट करना चाहता हूँ कि टाइल्स उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से लगाई, मैं आपको अभी बताऊँगा। टाइल्स बिल्कुल लगा रहे तो बिल्कुल बिल्कुल खोखली की आवाज़ आ रही है, जैसे खोखलापन की आवाज़ आती है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर अभी मैं पूरे ऊपर टाइल लगाऊँ तो देख रहे हैं यहाँ बरसात के सीज़न में यहाँ पर काफ़ी काई जमती है, जिससे कि चलने में और काफ़ी फिसलन पैदा होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काई किस तरह यहाँ पर जमती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश, इतनी बारिश की वजह से कोई जो अभी नया फ्रेश हमने दीवार लगाई थी उसके ऊपर भी कितनी काई जमी, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कई दिनों से यहाँ से काम नहीं किया हो। तो आपको दिखा दोस्तों, देखिए बारिश से कितनी यहाँ पर काई जम गई दीवारों पर, ये देखिए यहाँ पर आप ये पूरी काई है, आप देख सकते हैं पूरी काई है जमी हुई, देखिए देखिए दीवार पर कितनी काई जमी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी काई जमी है। तो बरसात के सीजन में यही होता है बारिश, यहाँ पर बारिश से काई जम जाती है। बाकी दोस्तों देखिए फर्श में जो काई जमी थी कल मैंने खुरची है पूरी काई को, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो दीवारों की तरफ देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम टाइल लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पूरी काई जम चुकी यहाँ पर, तो कल मैंने ब्रश से इस काई को पूरा साफ किया था, तो आप देख सकते हैं दीवार में लगी है और ये यहाँ पर देखिए ये हरा, तो इससे फिसलन ज़्यादा होती है। अभी आप कुछ कुछ देख रहे होंगे, कुछ मैंने साफ कर दी थी तो काफ़ी काई जम रही है, तो इसमें हम पूरा टाइल लगाएंगे जिससे कि टाइल वो भी जो फिसलन वाली ना। आप भी यही कीजिए जहाँ पर खासकर गढ़वाल में, क्योंकि बारिश से काफ़ी काई जमती है जिससे कि मतलब चलने फिरने में काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि कल मैंने पूरे इस पुरुष से पूरे फर्श को रगड़ा था। तो आप दीवारों में दिखाता हूँ इस तरह की काई जमती है, देखो दोस्तों ये पूरा हरा हरा पूरा ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पूरा जंगल बन गया होगा, पूरी देखो दीवारों पर कितनी काई जमी है। तो पहाड़ों में यही होता है कि जब बारिश आती है तो पूरे फर्शों में जहाँ पर कि आप बिल्कुल बजट के अनुसार कोई पत्थर लगाता है तो कोई टाइल्स लगाता है, तो हम अभी टाइल्स लगाने की उम्मीद सोच रहे हैं कि भाई टाइल्स लग जाए। बारिश अभी रुकी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये लोग देखो कितने पूरा भीगे हैं, काम कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो बारिश अभी हल्की सी हुई, कम हुई है, लेकिन ये लोग अपना काम नहीं रोक रहे हैं, देखो मसाला बना ही रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी देखो बारिश रुक नहीं रही और काम भी कंटिन्यू चल ही रहा है, तो कब आदमी भी क्या कर सकता है जब बारिश कंटिन्यू आ रही है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये, जो लोहे के जो सिंगाड़ बोलते हैं इनको, दरवाजे के जो एक फ्रेम टाइप का होता है आप देख सकते हैं, तो जो नीचे हमने लगाए थे तो उनमें जंग ये प्राइमर लगा रहे हैं इनमें, ये देखिए। तो प्राइमर से क्या होता है कि जंग नहीं पकड़ता है, जैसे इस फ्रेम को ये कहाँ पर यहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर ये यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ये दरवाज़ा बनेगा इस जगह पे, यहाँ पर आ रही इन्होंने प्राइमर, ये देखिए
ये पूरा प्राइमर लगा दिया इन्होंने। आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बिल्कुल ऊपर ही ऊपर ठहरा है, तो यही होता है जंग नहीं लगेगा इस पर। आप दिखाता हूँ कि जो अंदर के उन्होंने टाइल लगाई तो किस तरह वहाँ पर टाइल लगे। मैं टाइल को आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि टाइल किस तरह वहाँ पर लगाई और किस तरह वहाँ पर खोखली टाइल है, क्योंकि जो उसके नीचे मसाला भरा जाता है वो पहले वाले जो मिस्त्री थे उन्होंने सही नहीं भरा, तो 2010 में हमने बनाया था। तो मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बाथरूम का टाइल दिखाता हूँ दोस्तों। देखो किस तरह यहाँ पर टाइल, ये टाइल है ये वाली, तो आप देखिए ये जो टाइल लगा रखी है तो किस तरह इन्होंने फिनिशिंग भी कर रखी है, बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा ये टाइल ऐसी बजती नहीं, देखो दोस्तों पूरा टाइल यहाँ पर बज रही है। तो इन्होंने काम फिनिक्स बिल्कुल नहीं किया है। देखिए टाइल भी इन्होंने, ये देखो दो प्रकार की लगा रखी है यहाँ पर, ये देखिए टाइल भी पूरी कंप्लीट ऊपर लगा रखी है। तो काम इन्होंने ऐसे किया था यहाँ पर, तो मैं और दिखाना, तो वो था बाथरूम का। अभी मैं दिखाता हूँ कमरे के, जो कमरा है आपको मैं आप कमरा दिखाता हूँ, क्योंकि ये कमरा मैंने अभी खाली कर रखा है, इसमें ऐसे सामान बिखरा पड़ा। तो कमरे को भी दिखाता हूँ मैं, ये देखिए देखिए अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कमरा कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए पूरे टाइल बज रहे हैं यहाँ पर। तो अभी के जो ठेकेदार जी हैं उनको मैंने बता रखा है टाइल बिल्कुल जो उसके नीचे मसाला होता है वो कंप्लीट अच्छी तरह भरे, नहीं तो अब क्योंकि मैंने इन ठेकेदार जी से इसलिए कहा क्योंकि अगर काम जब इंसान एक बार करता है तो उसको बार बार याद किया जाता है कि उस बंदे ने अच्छा काम किया था। अगर आप काम सही नहीं करोगे तो बार बार मतलब कहते हैं कि गाली खानी पड़ेगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि काम अच्छा करना, क्योंकि देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है और मैं देख नहीं पाता हूँ, घर में अकेला हूँ। तो इसलिए उनसे कह रहा हूँ मैं कि आप भी काम इसलिए करना। तो अभी उनको बता रखा उन्होंने, तो वो भी काम उन्होंने जो नीचे का काम है टाइल चेक कर लिए, तो नीचे का काम जो नीचे का टाइल है उन्होंने बहुत अच्छी तरह बिछाए। तो मैंने आपको बिल्कुल दिखा दिया कि टाइल किस तरह बज रही है। देखो तो घर का काम किस तरह किया जाता है, तो ज़रूरी है कि जब आप का घर का काम कराते हो तो ज़रूर आपको घर के काम में देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि जो लेबर्स है, जो यहाँ पर ठेकेदार जी है, जो आपने पहले से उनसे बताया कि किस तरह का काम करना है, फिर भी बीच बीच में चेक करना ज़रूरी है और उनको बताना है कि इस तरह का काम, अगर तुम्हें लगता है कि काम वो सही नहीं कर रहे हैं या जिस तरह आप चाहते हो कि वो टाइल्स नहीं बिछाए, टाइल्स की एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, जब किसी भी जो घर के काम में जब घर के काम चिनाई शुरू होती है या घर का काम जब स्टार्ट होता है तो किसी तरह के दिमाग में मन में एक तरह तरह के एक किस्म से प्लानिंग आती है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो आपको लगता है कि इस तरह, तो आप ज़रूर उनको ये चीज़ें शेयर करनी है, और जहाँ पर वो लगता है कि तुम्हें ठीक लग रहा तो आप ज़रूर उनको प्यार से या मतलब उनको बताए कि इस तरह होना चाहिए, जिस तरह के आपने हमारे साथ देखा होगा कि किस तरह यहाँ पर जो पहले वाले ठेकेदार जी थे उन्होंने किस तरह काम किए यहाँ पर, क्योंकि उस समय कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं, बार में आपको इसका फिर दोबारा हर्जाना भरना पड़े जैसे कि मुझे करना पड़ रहा है अभी, कि जो टाइल्स हैं वो मुझे पूरी फिर चेंज करानी पड़ेगी, खासकर बात। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंडिंग करता हूं दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्ते दोस्तों।